सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को बिल्कुल फ्री और बेल आइकन दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल। इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कोमियो कंपनी ने अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। उस स्मार्टफोन का नाम है कोमियो C2। इस स्मार्टफोन की सबसे अहम खासियत इसमें 4000 mAh की बैटरी दी गई है। कोमियो C2 स्मार्टफोन की प्राइस 7199 रखी गई है और यह नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के बड़े रिटेल स्टोर पर अवेलेबल होगा। कोमियो C2 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, शॉपक्लूज और पेटीएम पर भी अवेलेबल होगा। कोमियो ने रिलायंस जियो के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत कोमियो स्मार्टफोन यूज़र को 309 के रिचार्ज या इससे ज़्यादा के रिचार्ज पर हर महीने 5GB डेटा यानी कुल 4 महीने के लिए 20GB डाटा मिलेगा। फ़ोन को रॉयल ब्लू और रॉयल ब्लैक कलर वेरिएंट में अवेलेबल कराया गया है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की। तो कोमियो C2 में 5 इंच की HD डिस्प्ले दी गई है। इस डिस्प्ले का रिजोल्यूशन 720p x 1280p है। इस फोन में 1.3 GHz क्वाड कोर मीडियाटेक MTK6737 प्रोसेसर दिया गया है और ग्राफिक्स के लिए Mali-T720 GPU इंटीग्रेटेड किया गया है। इसके साथ ही इस फोन में 2GB DDR3 रैम दी गई है और 16GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड के ज़रिए 128GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरे फीचर्स की। तो कोमियो C2 में फ्लैश, ऑटो फोकस और एपर्चर F2.0 और 5P लेंस के साथ 8MP का रियर कैमरा दिया गया है और सेल्फी वीडियो चैटिंग के लिए फ्लैश के साथ एपर्चर F2.0 4P लेंस के साथ 8MP का फिक्स्ड फोकस कैमरा भी दिया गया है। इसके अलावा फेस रिकॉग्निशन, फेस ब्यूटी जैसे फीचर्स भी कैमरे में दिए गए हैं। इस स्मार्टफोन में बैटरी 4000 mAh की दी गई है, जिसका कंपनी ने दावा किया है कि 500 आवर्स तक का स्टैंड बाई टाइम और 20 आवर्स तक का फुल टॉक टाइम मिलने का दावा किया गया है। यह फ़ोन एंड्रॉयड 7.0 नूगट बेस्ड है और कोमियो UI पर रन करता है। फ़ोन का रियर कवर प्लास्टिक का बना है। कोमियो C2 डुअल सिम सपोर्ट करता है। कनेक्टिविटी के लिए इस फ़ोन में 4G वर्ल्टी का सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ ही वाईफाई, ब्लूटूथ 4.0, GPS, GPRS, एज, FM रेडियो, 3.5mm ऑडियो जैक जैसे फीचर्स हैं। इस फ़ोन में एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और एम्बिएंट लाइट सेंसर जैसे सेंसर्स भी दिए गए हैं। तो फ़ोन फीचर्स के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, आप इसको ख़रीद सकते हैं। और अगर आप इस स्मार्टफोन को ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप आसानी से फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से जाके ख़रीद सकते हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव, सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी टाइप की और इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड डेली वीडियोज लेकर आते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।